Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Shram Vahini. Tum janenge Shram Vahini ke bare mein? In Odisha, a group of young bonded labor has formed a network called Shram Vahini, which uses smartphone and social media to alert authority and rescue fellow worker in distress. ओडिशा में जो ग्रुप है यंग बॉन्डेड लेबर का, उन्होंने फॉर्म किया एक नेटवर्क को जिसका नाम रखा गया श्रम वाहिनी, जो कि उपयोग कर रहा है स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का ताकि अलर्ट किया जा सके अथॉरिटी को और रेस्क्यू किया जा सके फेलो वर्कर्स को अगर वो डिस्ट्रेस में है तो. द नेटवर्क हैज ओवर 4000 मेंबर हु रिपोर्ट केसेस ऑफ डिस्ट्रेस लेबर रिक्वायरिंग असिस्टेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर एंड कंसर्न ऑफिशियल. और ये जो नेटवर्क है इसमें 4000 मेंबर्स है जो कि रिपोर्ट करते हैं केसेस को डिस्ट्रेस लेबर का रिक्वायर जिनको असिस्टेंट की आवश्यकता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास और कंसर्न ऑफिशियल के पास. मकसद क्या है श्रम वाहिनी का? तो श्रम वाहिनी एम्स टू कॉम्बेट द इश्यू ऑफ माइग्रेंट लेबर वॉइस गोइंग अनहर्ड बाय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बाय फैसिलिटेटिंग द रेस्क्यू ऑफ डिस्ट्रेस लेबर एज क्विकली एज पॉसिबल. जो श्रम वाहिनी है इसका मकसद है कॉम्बेट करना जो प्रॉब्लम है माइग्रेंट लेबरल का, जो वॉइस जो का नहीं सुना जाता है लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, उसको ये फैसिलिटेट कर रहा है उनके रेस्क्यू में डिस्ट्रेस लेबरल का जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी मदद प्रोवाइड करके. तो ये किस स्टेट के द्वारा चालू किया गया, इसमें क्या है सब पता होना चाहिए, तो ओडिशा के द्वारा चालू किया गया है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा बिहन मेला सिद्ध फेस्टिवल भी जिसको हम कहते हैं, पीआईबी के न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है. द बिहन मेला और सिद्ध फेस्टिवल हैज बीन इनिशिएटेड बाय नॉट प्रॉफिट निर्माण इन नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा टू हेल्प ट्राइबल कॉर्न फार्मर रिटर्न टू देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग मिक्स क्रॉपिंग. जो बिहन मेला या सिद्ध फेस्टिवल है जिसको इनिशिएट किया गया है नॉन प्रॉफिट निर्माण के द्वारा नयनगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ओडिशा के, ताकि मदद किया जा सके ट्राइबल कॉर्न फार्मर्स को कि वापस से ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग की ओर आए जिसमें कि मिक्स क्रॉपिंग भी आता है. तो कहां पे इसको किया गया है, किस लिए किया गया, ये आपको पता चल गया. इसके वर्किंग को हम जानते हैं. द फेस्टिवल इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ इंडिजिनस सीड एंड सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर टू कलेक्ट स्टोर एंड शेयर देयर नेटिव वैरायटी ऑफ क्रॉप. ये जो फेस्टिवल है ये इन्वॉल्व करता है एक्सचेंज इंडिजिनस सीड का और सर्व करता है एक प्लेटफॉर्म के तौर पर फार्मर्स के लिए ताकि कलेक्ट किया जा सके, स्टोर किया जा सके और शेयर किया जा सके नेटिव वैरायटी को क्रॉप्स का. द नॉन प्रॉफिट ऑल्सो सेट अप अ सीड बैंक इन रायसर विलेज टू फैसिलिटेट एक्सेस टू इंडिजिनस सीड. और ये जो नॉन प्रॉफिट है ये सेटअप किया एक सीड बैंक को रायसर विलेज में ताकि फैसिलिटेट किया जा सके एक्सेस इंडिजिनस सीड का. मकसद क्या है इसके पीछे का? दिबिहन मेला एंड सीड बैंक एम टू एड्रेस द इश्यू ऑफ क्रॉप फेलियर कॉज बाय इरेटिक रेनफॉल एंड पेस्ट अटैक एंड टू रिस्टोर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी टू द रीजन फार्मर. जो बिहन मेला या सीड बैंक है इसका मकसद है एड्रेस करना जो इश्यू है क्रॉप फेलियर का जो कि इरेटिक रेनफॉल या पेस्ट अटैक के कारण होता है, और रिस्टोर करना फूड को और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इस रीजन के फार्मर को. नेक्स्ट टॉपिक हमारा थ्रिशुरपुरम. हम जानेंगे थ्रिशुरपुरम के बारे में. Recently, Thrissurpuram, a festival celebrated in the Malayalam month of Medam, took place with great fanfare. अभी हाल ही में जो Thrissurpuram था जो कि एक फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है मलयालम मंथ ऑफ मेडाम के समय पे, ये आपका ग्रेट फैनफेयर के साथ हुआ है. Thrissurpuram इज एन एनुअल हिंदू टेम्पल फेस्टिवल हेल्ड इन थ्रिशूर केरला. इट इज हेल्ड एट द वाइडकुंटम टेम्पल इन थ्रिशूर एवरी ईयर ऑन द पुरम डे वेन द मून राइजेस विद द पुरम स्टार इन द मलयालम कैलेंडर मंथ ऑफ मेडाम. जो थ्रिशुरपुरम है ये आपका एनुअल हिंदू टेम्पल फेस्टिवल है जो कि आपका थ्रिशूर केरला पर होता है. ये आपका होता है वडाकुनाथम टेम्पल पे थ्रिशूर के हरेक साल पूर्णम डे के दौरान. ये डे तब होता है जब मून राइज करता है पूरम स्टार से मलयालम कैलेंडर के अनुसार मंथ ऑफ मेडाम पे. अगर हम डेट की स्पेसिफाइड बात करें तो ये आपका उस समय होता है जब स्टार साइन करता है पूरम पे ऑकर करता है मलयालम मंथ ऑफ मेडाम अप्रैल मई के समय पे. ओरिजिन की अगर हम बात करें, ये फेस्टिवल वाज इनिशिएटेड बाय राजा राम वर्मा ऑल्सो नोन एज साक्तन थामपुरन ये महाराजा ऑफ कोचिन 1790 to 1805. और ये जो फेस्टिवल था इसको इनिशिएट किया गया था राजा राम वर्मा के द्वारा जिनको हम साक्तन थामपुरन के नाम से भी जानते हैं जो कि महाराजा थे कोचिन के 1790 to 1805 तक के लिए. इसका पर्पज क्या है? शिरोमणी वेयर 10 टेम्पल्स इन एंड अराउंड थ्रिशूर कम टूगेदर टू पे ऑफरेंस टू लॉर्ड शिवा एट दी वैकुनाथन टेम्पल. ये एक शिरोमणी है जहाँ पे 10 टेम्पल जो है इन एंड अराउंड थ्रिशूर के वो एक साथ आते हैं ताकि वो पे कर सके ऑफरेंस को लॉर्ड शिवा के लिए वैकुनाथ टेम्पल में. की फीचर्स क्या है? कोडियाटम फ्लैग होस्टिंग शिरोमणी प्रिकर्सन असेंबल इलेबोरेट एलिफेंट प्रोसेशन फायरवर्क डिस्प्ले एक्सेट्रा. तो की फीचर्स इसमें क्या है? तो कोडियाटम फ्लैग होस्टिंग शिरोमणी किया जाता है.
फिर कर्सन इन सिंबल होता है, एलेबरेट एलिफेंट प्रोसेसर और फायरबैक डिस्प्ले दिखाया जाता है। लास्ट डेक की अगर हम इसकी बात करें तो जो सेवन डेक का पूरम होता है, जिसको कि हम पकाल पूरम भी कहते हैं, मतलब ये सेवन डेक तक मनाया जाता है। क्या सिग्निफिकेंस इस फेस्टिवल का? इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस ऑफ ऑल पूरम इन इंडिया। इट प्रमोट इंक्लूसिविटी एंड इट हैज ग्रोन टू इनकम्पास ऑल रिलीजियस एंड कल्चरल स्ट्रेन ऑफ केरला। मुस्लिम एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑल्सो पार्टिसिपेट। ये लार्जेस्ट और मोस्ट फेमस है सारे पूरम में भारत का। ये प्रमोट करता है इंक्लूसिविटी को, ये ग्रो करता है, इनकम्पास करता है सारे रिलीजियस और कल्चरल स्ट्रेन को केरला का। मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी भी इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्लू होल। तो हम जानेंगे ब्लू होल के बारे में। द ब्लू होल इज द सेकेंड डीपेस्ट मैराइन सिंक होल और कैवरन डिस्कवर इन चेटुमल बे ऑफ द कोस्ट ऑफ युकेटन पेनिनसुला इन मेक्सिको। तो कहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया, ये क्या पता होना चाहिए? तो जो ब्लू होल है आपका, ये सेकेंड डीपेस्ट मैराइन सिंक होल है या कैवरन है, जिसको डिस्कवर किया गया है कहाँ पे? तो चेटुमल बे के पास ऑफ द कोस्ट ऑफ युकेटन पेनिनसुला इन मेक्सिको पे। कलर की अगर हम बात करें इसकी, तो डार्क ब्लू कॉज बाय द हाई ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर एंड ब्राइट व्हाइट कार्बोनेट सैंड। डार्क ब्लू का कलर है जो कि आपका हाई ट्रांसपेरेंसी वाटर का होने के कारण और ब्राइट व्हाइट कार्बोनेट सैंड के कारण है। वाटर सर्कुलेशन की अगर हम बात करें, पुअर कॉमनली एनॉक्सिक बिलो ए सर्टेन डेप्थ। तो वाटर सर्कुलेशन काफी पुअर है, कॉमनली एनॉक्सिक है बिलो सर्टेन डेप्थ के बाद। सी लाइफ की अगर हम बात करें ब्लू होल पे, तो अनफेवरेबल एनवायरमेंट फॉर मोस्ट सी लाइफ कैन सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया दैट लिव ऑफ सल्फर कंपाउंड। ये अनफेवरेबल एनवायरमेंट है, सी लाइफ जो सपोर्ट करता है वो सिर्फ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया को करता है जो लिव ऑफ करते हैं सल्फर कंपाउंड को। व्हाट आर ब्लू होल? ये ब्लू होल है क्या? दे आर लार्ज अंडरसी वर्टिकल केव्स और सिंक होल फाउंड इन कोस्टल रीजन। ब्लू होल जो होते हैं ये लार्ज अंडरसी वर्टिकल केव्स या सिंक होल होते हैं जो कि पाए जाते हैं कोस्टल रीजन पे। कार्स फॉर्मेशन के बारे में भी हम जान लें। ब्लू होल्स आर फाउंड ऑन कोस्टल कार्स प्लेटफॉर्म अराउंड द वर्ल्ड। दे आर फॉर्म्ड बाय द डिजोल्यूशन ऑफ सोलूबल रॉक्स सच एज लाइमस्टोन, डोलोमाइट और जिप्सम। जो ब्लू होल होता है ये बनता है आपका कोस्टल कार्स प्लेटफॉर्म के पास अराउंड द वर्ल्ड पे। ये पाए जाते हैं तब बनते हैं जब डिजोल्व होता है आपका सोलूबल रॉक जैसे कि लाइमस्टोन, डोलोमाइट या जिप्सम। जब ये डिजोल्व होता है तब आपका ये बनता है। डीपेस्ट ब्लू होल की अगर हम बात करें, तो ड्रैगन होल जिसको कि हम लॉन्गडंग भी कहते हैं साउथ चाइना सी का जो है, ये आपका डीपेस्ट ब्लू होल है। ओवरऑल लार्जेस्ट ब्लू होल की अगर हम बात करें, तो ग्रेट ब्लू होल जो कि आपका लोकेटेड है 100 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट ऑफ बेलीज से, ये आपका 300 मीटर वाइड है और 125 मीटर डीप है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सी माउंट। तो हम जानेंगे सी माउंट के बारे में। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर 19,325 न्यू सी माउंट थ्रू न्यू हाई रिजोल्यूशन डाटा एडिंग टू द 24,000 सी माउंट ऑलरेडी मैप्ड इन 2011 सेंसस। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है 19,325 न्यू सी माउंट को अपने उनके नए हाई रेजोल्यूशन डाटा के अनुसार, और ऐड किया गया इसको 24,000 सी माउंट जो कि पहले से मैप किया गया था 2011 के सेंसस में। उस पर सी माउंट के बारे में हम जान लें। सी माउंट आर अंडर वाटर माउंटेन फॉर्म थ्रू वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड आर रिकॉग्नाइज एट हॉटस्पॉट फॉर मैराइन लाइफ। सी माउंट जो है ये आपका अंडर वाटर माउंटेन होता है जो कि बनता है वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण, और इसको रिकॉग्नाइज किया गया है हॉट स्पॉट के तौर पर मैराइन लाइफ के लिए। कैसे ये बनता है? तो नियर मिड ओशियन रीज इंटरप्लेट हॉटस्पॉट और ओशियनिक आइलैंड चेन। तो नियर मिड ओशियनिक रीज इंटरप्लेट हॉटस्पॉट और ओशियनिक आइलैंड चेन के कारण। मैपिंग की अगर हम बात करें, इको साउंडेड मल्टी बीम सोनार ऑन शिप फॉर टोपोग्राफिक मैपिंग और सैटेलाइट अल्टीमेटली फॉर ग्रेविटी फील्ड मैपिंग। तो मैपिंग इसका कैसे किया जाता है? इको साउंडर मल्टी बीम सोनार का उपयोग किया जाता है शिप का ताकि टोपोग्राफिकल मैपिंग किया जा सके, और सैटेलाइट अल्टीमेटली का उपयोग किया जाता है ग्रेविटी फील्ड मैपिंग के लिए। क्या इंपॉर्टेंस है इसका? प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट मेंटल कंपोजिशन एंड टेक्टोनिक प्लेट इवोल्यूशन, इन्फ्लुएंस ओशियन सर्कुलेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट CO2 एंड सपोर्ट डाइवर्स बायोलॉजिकल कम्युनिटी। ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन को मेंटल कंपोजिशन को लेके और टेक्टोनिक प्लेट इवोल्यूशन को लेके। ये इन्फ्लुएंस करता है ओशियन सर्कुलेशन को और एब्जॉर्प्शन को हीट और CO2 को, और सपोर्ट करता है डाइवर्स बायोलॉजिकल कम्युनिटी को। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो आपका इम्पेरर सीमाउंट हो गया जो कि चेन है सीमाउंट का पैसिफिक ओशियन में। इंडिया की अगर कंट्रीब्यूशन की हम बात करें इसके लिए, तो द सरल सैटेलाइट डेवलप्ड इन कोलेबोरेशन विद फ्रांस हेल्प एक्सपेंड द सीमाउंट कैटलॉग थ्रू इम्प्रूव रडार नॉइस रिडक्शन। जो सरल सैटेलाइट है इसको डेवलप किया गया किसके साथ मिलकर? तो फ्रांस के साथ मिलकर। ये मदद कर रहा है एक्सपेंड करने में सीमाउंट कैटलॉग को इम्प्रूव रडार नॉइस रिडक्शन के माध्यम से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीमाउंट और ग्योट में क्या अंतर है? तो सीमाउंट डिफर फ्रॉम गायोट विच आर ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम अंडरसी वॉल्केनो बट वेर वंस अबव द सर्फेस ऑफ ओशियन एंड हैव सिंस सबमर्स टू फॉर्म फ्लैट टॉप अंडरसी माउंटेन।
जो सी माउंट है ये डिफर करता है गर्ड से, जो कि बना है अंडरसी वॉल्केनो के कारण ही। लेकिन क्या था, ये आपका अबव था सरफेस के ओशियन के, लेकिन सबमर्ज हो गया फ्लैट टॉप अंडरसी माउंटेन के तौर पर। अब ये है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका सी माउंट है, ये वॉल्केनिक आइलैंड है, ये मैराइन इरोजन है, ये आपका ग्योट है। इन सब में क्या अंतर है आप फिगर के माध्यम से यहाँ पे देख के समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टार रेटिंग सिस्टम फॉर वाटर टैप्स एंड सैनिटरी फिक्सर भारत टैप। जो स्टार रेटिंग सिस्टम है वाटर टैप और सैनिटरी फिक्सर के लिए, इसके बारे में हम जानेंगे। इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस ए स्टार रेटिंग सिस्टम फॉर वाटर फिक्सर कॉल भारत टैप, विच विल इंक्लूड रेटिंग ऑफ 3, 4 and 5 स्टार बेस्ड ऑन वाटर इफिशियंसी। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो प्लान कर रहे हैं, वो इंट्रोड्यूस करेंगे स्टार रेटिंग सिस्टम को वाटर फिक्सर के लिए, जिसको उन्होंने कहा है भारत टैप। ये इंक्लूड करेगा रेटिंग 3, 4 और 5 स्टार का, जो कि बेस्ड होगा वाटर के एफिशिएंसी के ऊपर। भारत टैप इनिशिएटिव, भारत टैप इज ए कोलेबरेटिव एफर्ट ऑफ वाटर फिक्सर सिमिलर टू द रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टू ड्राइव वाटर एफिशिएंसी। जो भारत टैप है ये आपका एक कोलेबरेटिव एफर्ट है वाटर फिक्सर के लिए, या सिमिलर है आपका जैसे कि रेटिंग होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, ताकि ड्राइव किया जा सके वाटर एफिशियंसी को। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पीछे का, टू प्रोवाइड लो फ्लो सैनिटेशन वर्क एज स्केल एंड रिड्यूस वाटर कंजम्पशन एट दिस सोर्स। ये प्रोवाइड करेगा लो फ्लो को सैनिटरी वेयर स्केल होगा और रिड्यूस करेगा वाटर कंजम्पशन को सोर्स पे। बेनिफिट इसका क्या होगा, वाटर एंड एनर्जी सेविंग ड्यू टू लेस वाटर एंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पंपिंग ट्रांसपोर्टिंग एंड प्योरिफिकेशन। वाटर और एनर्जी सेविंग होगा क्योंकि अब लेस वाटर और एनर्जी की आवश्यकता होगी पंपिंग ट्रांसपोर्टिंग और प्योरिफिकेशन के लिए। एस्टिमेटेड वाटर सेविंग कितना हो सकता है, तो 40% अप्रोक्सीमेटली वाटर को सेव किया जा सकता है इसके माध्यम से। फॉर्मुलेटेड अंडर अमृत 2.0 अटल मिशन फॉर रिज्यूवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसको फॉर्म किया जा रहा है अमृत 2.0 अटल मिशन फॉर रिज्यूवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 के अंतर्गत। कोलेबरेटर की अगर हम बात करें तो इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन एंड मैन्युफैक्चरर जो है उन्होंने कोलेबरेट किया इसके लिए। अब हम अमृत 2.0 के बारे में भी जान लें, तो इट इज अ 5-year प्रोग्राम लॉन्च इन October 2021 एंड विल कंटिन्यू अंटिल 2025-26। जो आपका अमृत है अटल मिशन फॉर रिज्यूवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0, ये 5 साल का प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया गया था October 2021 पे, और ये आपका चलेगा 2025-26 तक। ये आपका एक्सटेंशन है अमृत मिशन का जिसको लॉन्च किया गया था 2015 में, जिसका गोल था प्रोवाइड करना हर एक हाउस होल्ड को एक्सेस टैप और गारंटी सप्लाई वाटर और सीवर कनेक्शन का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेसर फ्लेमिंगो। तो हम जानेंगे लेसर फ्लेमिंगो के बारे में। आफ्टर ए 6-year एब्सेंस अ ग्रुप ऑफ लेसर फ्लेमिंगो हैज रिटर्न टू पुलिकेट लेक इन चेन्नई। 6 साल के एब्सेंस के बाद जो ग्रुप है आपका लेसर फ्लेमिंगो का, ये वापस से रिटर्न देखे गए हैं पुलिकेट लेक में चेन्नई के। लेसर फ्लेमिंगो, द लेसर फ्लेमिंगो इज द स्मॉलेस्ट स्पीसीज ऑफ फ्लेमिंगो थ्रू इट इज टॉल एंड लार्ज बट बाय मोस्ट स्टैंडर्ड विथ पेल पिंक कलर एंड डीप रेड लेग्स एंड बिल। द कलर्स कम फ्रॉम द कैरोटीनॉइड पिगमेंट दे कंज्यूम एज ए पार्ट ऑफ देयर डाइट। जो लेसर फ्लेमिंगो है ये स्मॉलेस्ट स्पीसीज है फ्लेमिंगो का, जबकि ये टॉल होते हैं, लार्ज बर्ड है मोस्ट स्टैंडर्ड से, जो कि पेल पिंक कलर के होते हैं। इनका डीप रेड लेग होता है, बिल्स होता है। ये जो कलर है ये इनके कैरोटीनॉइड पिगमेंट के कारण आता है, क्योंकि ये कंज्यूम करते हैं और इसको अपने डाइट पे। साइज की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 80-90 सेंटीमीटर लॉन्ग फीमेल आर स्मॉलर। ये 80-90 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और जो फीमेल है वो स्मॉलर होती है। डाइट की अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोपिक ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बेनिफिक डाइटोम्स स्मॉल एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स सच एज रोटिफायर। तो जो माइक्रोस्कोपिक ब्लू ग्रीन अलगी होते हैं, बेंथिक डाइटम होते हैं, ये इनका मेन डाइट है। स्मॉल एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट जैसे कि रोटिफायर हो गया, तो ये भी इनका डाइट है, लेकिन ये बहुत लेस करते हैं। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो लार्ज अनडिस्ट्रीब्यूटेड अल्कलाइन एंड सलाइन लेक, सॉल्ट पैन, कोस्टल लगून एंड एस्टुअरीज। तो इनके हैबिटेट की अगर हम बात करें तो जो आपका लार्ज अनडिस्टर्ब अल्कलाइन और सलाइन लेक हो गया, सॉल्ट पैन हो गया, कोस्टल लगून हो गया, एस्टुअरीज हो गया, इनका रेंज क्या है, तो प्राइमरी ईस्टर्न और साउथर्न अफ्रीका, मडागास्कर, येमेन, पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया। कंजर्वेशन स्टेटस की अगर हम बात करें तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। IUCN में इसको नियर थ्रेटन कैटेगरी पर रखा गया है, साइट के अपेंडिक्स 2 पे आता है। तो IUCN स्टेटस में नियर थ्रेटन और साइट के अपेंडिक्स 2 पे है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी हम जान लें, तो इसका जो नाम है वो ड्राइव्ड हुआ है पोर्टुगीज, जिसका मतलब होता है रेड गूज, और ये जो है न्यूमरस और लार्जेस्ट फ्लॉक है, दोनों ही मेल और फीमेल जो है वो प्रोवाइड करते हैं यंग को, क्रॉप मिल्क को। पुलिकेट लेक के बारे में भी हम जान लें क्योंकि वहां पर इसको देखा गया है। तो ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है इंडिया का, चिल्का लेक के बाद। ये जो है आपका मेजर पार्ट है आंध्र प्रदेश का, ये इनकम्पास करता है पुलिकेट लेक बर्ड सेंचुरी को। जो बैरियर आइलैंड है श्रीहरिकोटा का, ये सेपरेट करता है लगून को बे ऑफ बंगाल से, और ये आपका होम है सतीश धवन स्पेस सेंटर का भी। ये जो पुलिकेट लेक से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं इस स्पीसीज को, लेसर फ्लेमिंगो को। That's all for daily current affairs session. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
These are our social media links. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.